Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. I hope you are doing well at home. Student, we will continue our chapter. So open your reading book, page number 108. Student, अपनी last class में पुली पढ़ चुके हैं, ठीक है? पुली कितने types की हैं ये भी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे gear. Gear क्या होता है? Gear जो है simple machine है, जिसके tooth wheel होते हैं, ठीक है? ये gear है. इसके जो wheel के ऊपर जो बना हुआ है tooth wheel है, ठीक है? Tooth की तरह नुकीले हैं, इसलिए gear जो है ये work करता है coordination में. Simple gear system जो है tooth wheel से बना हुआ है, जिस पे force apply की जाती है gear in one direction में, और जो second gear है वो move करता है opposite direction में. एक gear पे जो है force apply की जाती है, दूसरा जो है opposite direction में move करता है, ठीक है? The movement from one gear is transferred to another. एक gear से जो movement है वो दूसरे gear पे transfer की जाती है. Gear जो है उस पे force apply की जाती है, उसे हम कहते हैं driving gear. और जो गियर जो है मूव कर रहा होता है उस फोर्स की वजह से, उसे हम कहते हैं ड्राइवन गियर. अब डिफरेंट गियर जो हैं कंबाइन करके एक गियर ट्रेन बनाते हैं पूरी, ठीक है? ये गियर है जिसके ऊपर टीथ बने हुए हैं, ठीक है? और आपको मैंने बताया है दो गियर होते हैं, ठीक है? एक पे फोर्स अप्लाई की जा रही होती है जो कि इन वन डायरेक्शन, और जो दूसरा जो है वो मूव कर रहा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? नाउ कम टू पेज नंबर 109. गियर सिस्टम जो है वो दो तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? व्हेन इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड दैट ड्राइविंग गियर इज कैप्ट लार्जर. जब स्पीड इंक्रीज करनी होती है तो ड्राइविंग गियर जो है वो उसे बड़ा रखते हैं, और ड्राइवन गियर को जो है स्मॉलर रखते हैं. लेकिन जब जो है फोर्स इंक्रीज करनी होती है तो ड्राइविंग गियर को जो है स्मॉलर रखते हैं, और ड्राइवन गियर को जो है लार्जर रखते हैं. ड्राइविंग डिफरेंट गियर सिस्टम जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट गियर्स में, ठीक है? जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ड्राइविंग गियर और ड्राइवन गियर के बिटवीन में प्रेजेंट होता है. ये इंसर्टेड बिटवीन द ड्राइविंग गियर, ठीक है? ताकि ये दोनों गियर्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करें. ये देखें, ये आइडलर है, ये जो बने हुए ना, ये आइडलर है, ताकि दोनों गियर्स को एक जगह पे मूव करें, ठीक है? अच्छा, मोर देन वन आइडलर जो यूज़ किया जाता है टू फॉर्म अ गियर ट्रेन. फिर है स्प्रॉकेट. स्प्रॉकेट क्या होता है? ये टू गियर्स आर, ये इसमें क्या होता है, दो गियर्स जो हैं वो लिंक टुगेदर होते हैं. किसकी वजह से? एक बेल्ट या चेन की वजह से. इसे हम कहते हैं स्प्रॉकेट. ये एक बिल्कुल बेल्ट की तरह है, ये पुली की तरह समझ लें. बिना ये यूज़ किया जाता है मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बिना डायरेक्शन चेंज किए. फिर है रैक एंड पिनियन. ये एक अलग तरीके से गियर है जिसे हम कहते हैं रैक एंड पिनियन. पिनियन जो है सिंपल व्हील होता है जो रोटेट करता है फ्लैटेड टूथ पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं रैक. ये रैक है, ये पिनियन है जो फ्लैटेड, देखें ये टूथ पार्ट है ना, इसके ऊपर देखें जो है ना रोटेट करता है. ये गियर सिस्टम किससे यूज़ होता है? लीनियर मोशन को रोटेटरी के लिए सिस्टम की जगह, ठीक है? लीनियर मोशन जो होते हैं ना, उनको रोटेट मोशन के अंदर मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, या वाइस वर्सा, ठीक है? गियर सिस्टम जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं. अब देखें, जैसे कि हैंड क्राफ्टेड एग बीटर है, इसके अंदर जो है सिंपल गियर सिस्टम है, ठीक है? जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जब हम ड्राइविंग द गियर मूव वर्टिकली, जब हम गियर को मूव वर्टिकली कर रहे होते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होता है, ये ड्राइवन गियर को हॉरिजेंटली मूव कर रहा होता है. हम इसको यूं कर रहे होते हैं और जो अंदर से है वो यूं बीट हो रहा होता है, ठीक है ना? तो ये अपना कंप्लीट राउंड ऑफ द गियर, ड्राइविंग गियर मूव्स अ विस्की मैनर. इसी तरह से जो है, जो विस्की है वो मोर देन वन टाइम से ज़्यादा भी घूमती है. अच्छा, इन अदर इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है गियर सिस्टम में क्या है? एनालॉग क्लॉक. आपने कभी एनालॉग क्लॉक ऑब्जर्व की है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम होता है इसमें, बिकॉज इसमें जो है ना सेकंड, इसमें क्या होता है, जो द गियर रिप्रेजेंट हो रहा होता है ना, जो सेकंड्स दिखा रहा होता है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट टीथ होते हैं, ठीक है? और जो गियर जो मिनट्स दिखा रहा होता है उसमें बिगर होते हैं, और जो गियर आवर्स दिखा रहा होता है उसमें सबसे बड़े होते हैं, ठीक है? सेकंड वाला छोटा है, उसके बाद जो है मिनट्स वाला बड़ा है, उसके बाद जो है आवर्स वाला सबसे बड़ा है, ठीक है? तो इनके पीछे होते हैं गियर्स, ऑब्वियसली सामने तो इनकी जो है सिर्फ स्टिक्स हैं, पीछे जो है वो गियर्स बड़े होते हैं, ओके? ये एनालॉग क्लॉक है. देन कम टू पेज नंबर 110. गियर सिस्टम जो है हेल्प करता है हमें राइडिंग अ बाइसाइकिल. बाइसाइकिल जो है उसके अंदर क्या होता है? स्प्रॉकेट गियर सिस्टम होता है. अब हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.